मुगल सेना महाराणा प्रताप को काबू करने में नाकाम होती रही, जिस वजह से महाराणा को पकड़ने के लिए अकबर ने मेवाड़ की घाटियों में भारी फौज तैनात कर दी। लेकिन अब महाराणा प्रताप ने मुगलों को करारा जवाब देने का विचार बना लिया था और दिवेर घाटी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। दिवेर घाटी में जंगल का घना आवरण था, इसी जगह पर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने एक अफवाह फैला दी कि वह दिवेर के रास्ते से मेवाड़ से निकलने की तैयारी में है। यह सूचना मिलते ही अकबर ने सभी थानों की सेना को महाराणा प्रताप के पीछे जाने का आदेश दे दिया। महाराणा प्रताप और उनकी सेना तैयार बैठी थी। जैसे ही मुगलों की पूरी सेना घाटी के अंदर आ गई, महाराणा प्रताप ने अपने वीर धनुधारियों को आक्रमण का आदेश दे दिया। इस घुड़सैनिक हमले ने मुगलों को हिला कर रख दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना नायक बहलोल खान पर तलवार से इतना घातक हमला किया कि वह दो टुकड़ों में बट गया। अब मुगल सेना युद्ध से भागने लगी। महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध अभियान को जारी रखा और जल्दी ही कुंभलगढ़, उदयपुर सहित पूरे पश्चिमी मेवाड़ को वापस अपने राज्य में मिला लिया।